नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को 2024 में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए 2024 वर्ष कैसा रहेगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या आपको लाभ पहुंचा सकता है और क्या आपको हानि पहुंचा सकता है, आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको जानकारी नहीं है, तो ज्योतिष शास्त्र गणना करके बताती है कि 2024 में कर्क राशि वालों को क्या क्या होने वाला है। यदि आपका कर्क राशि है तो आपको जीवन में ध्यान देने की जरूरत है कि 2024 में का लाभ कैसे उठाएं और किस प्रकार से उठाएं। जिस अवस्था में आप हैं, यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप सर्विस करते हैं, यदि आप किसी वस्तु की तैयारी करते हैं और अपने आप को सेफ पॉइंट में ले जाना चाहते हैं और अपने आप रोग से बचना चाहते हैं, कर्ज से बचना चाहते हैं, नई निगेटिव चीजें उससे आप अपने को सावधान रहना चाहते हैं, तो आपके लिए 2024 का वर्ष कर्क राशि वाले के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि लाभ उठाना चाहेंगे तो आप 90% उठा सकते हैं और यदि आप नहीं उठा पाते हैं, 10% हानि में उलझे रहते हैं, तो आप उसी में उलझ के पूरा साल निकाल सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जो 2024 में 90% लाभ की योजनाएं आने वाली है उसको हम कैसे कैश करें, क्यों कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का मालिक होता है। अब मन पे यदि आपका कंट्रोल होता है तो आपका दिमाग चरम सीमा पे चलता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ यदि बृहस्पति होता है तो आप अच्छा प्लानिंग करने के लिए तैयार करता है। चंद्रमा के साथ यदि शुक्र होता है तो अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए तैयार होता है। चंद्रमा के साथ यदि बुध होता है तो अच्छा व्यापार करने की गति बनाता है। चंद्रमा के साथ यदि सूर्य होता है तो आपको जीवन में ख्याति और पराकाष्ठा पे ले जाता है। यदि आप जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो चंद्रमा उसके लिए आपको उत्साहित करता है। यदि वो शनि के साथ होता है तो कहीं न कहीं आप मानसिक तौर पे दबाव बनाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बहुत सारे ग्रह इस बार सपोर्ट करने की स्थिति में बैठी हुई है। यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आप यदि 10 साल से 20 साल के अवस्था के हैं और आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करने में कहीं आपको कंफ्यूजन है जो हम कौन सा सब्जेक्ट में जाएं, कौन सा थीम लें, कौन सा योजना बनाएं, अपने जीवन में क्या लाभ हो सकता है, तो कर्क राशि वालों के लिए जो साइंस सब्जेक्ट है वो 70% लाभकारी है। कर्क राशि वालों के लिए जो 10 साल से 20 साल के अवस्था वाले हैं, यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके 80% लाभकारी है। यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो 55% लाभकारी है। तो आपको इस तरह से सोचना है जो आपको कौन सी सब्जेक्ट किस तरह से लेना और कितना लाभ उठाना है। आप यदि कर्क राशि के हैं तो आपका मैथ नाम का सब्जेक्ट कमजोर दिखेगा, सोशल साइंस भी कमजोर दिखेगा, आपका इंग्लिश भी कमजोर दिखेगा। इन तीनों पे आपको लगातार फोकस करना है और उसके स्टडी, सेल्फ स्टडी करके या सपोर्ट लेके आपने तैयारी करना है और अपने कंपटीशन को अचीवमेंट करके नहीं उसको ग्रिप करना है। यदि आप ग्रिप करने के लिए तैयार हैं तो 2024 के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो बच्चा अपने आप को अच्छी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है, जो कॉम्पिटिशन करके अच्छी जगह में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए अच्छा समय है और अपने मन को तैयार करें, क्यों मन का मालिक चंद्रमा है और उसका कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा है और दिमाग का पूरा प्रयोग करेगा तो अच्छा खासा लाभ उठा सकता है। यदि आप 20 साल से 30 साल की उम्र के हैं और आपको जीवन में कुछ अच्छा निर्णय लेना है और अपने मन को खुशी प्राप्त करना है तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप अच्छा सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को कंपटीशन के मूड में लाइए, मस्ती के मूड से बाहर निकालिए, अपने आप को चैलेंजिंग के मूड में लाइए, मस्ती से अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालिए,
तो अच्छा खासा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कर्क राशि वाले को 2024 संदेश दे रहा है। यदि आप व्यापार शुरू करने वाले हैं तो भी आपका अच्छा अवसर है। आप यदि चाहते हैं जो हम केमिकल का व्यापार करें कर्क राशि वाले, तो अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। अब शेयर का व्यापार करना चाहते शुरू करना चाहते हैं, अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। आप यदि कपड़े का व्यापार करना शुरू करना चाहते हैं, अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। आपको इस तरह से कई कर्क राशि वाले तीन चार क्षेत्रों में यदि आप काम करते हो, अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि वालों को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट करने की सोच बनाना चाहिए। यदि किसी कारणवश यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो 2 से 5 साल के अवधि रखना चाहिए, उससे लंबे अवधि तक नहीं जाना चाहिए। आपको कर्क राशि वालों के लिए व्यापार शुरू करने के लिए मार्केट से भी पैसे उठा के करते हैं तब भी आप मार्केट से लाभ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। यदि बैंक से लेते हैं तब भी उस कर्ज से जल्दी आपको मुक्ति मिल सकती है और लाभ की तरफ आप जा सकते हैं। यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं और विवाह की तरफ जाने का अपना रुझान पैदा कर रहे हैं तो कर्क राशि वाले के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप यदि अपने लाइफ पार्टनर च्वाइस करते हैं तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उससे अच्छा संतान, सुखी जीवन, सुखी व्यापार और सुखी प्रॉपर्टी की प्राप्ति कर सकते हैं यदि इस समय में विवाह इत्यादि के अपना मन बनाते हैं। तो कर्क राशि वाले के लिए 2024 अच्छा देखने को मिल रहा, उसमें 90% सफलता का सूचक मिलेगा और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका अच्छा रिलेशन रहेगा। यदि 30 साल से 40 साल की उम्र के हैं और आपका कर्क राशि है तो आपके लिए व्यापारिक स्थिति या सर्विस की स्थिति में आपको मार्केट में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए और उसके लिए आपको महीने के 25 दिन अपने आप को उस मार्केट में सर्वाइव करने की जरूरत है। यदि आप सर्विस करते हैं तो आसानी से अपने टारगेट पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपको सुपर प्लान करने की जरूरत है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो परचेज करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके बाद मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान देंगे तो आराम से अपना लाभ उठा सकते हैं और अपने मन को कंफ्यूजन का किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं रखना चाहिए। यदि आप 40 साल से 50 साल की उम्र के हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आप जो आपने पारिवारिक जीवन शुरू किया, आपने व्यापार, आपने सर्विस शुरू किया, यहाँ पर उसके प्रगति करने का समय दिखाई दे रहा है। इस प्रगति में आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपके पेट खराब हो सकता है, आपका बैक पेन हो सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है। दूसरी तरफ आपका संतान है, संतान के तरफ को आपको ध्यान आकर्षण ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम संतान जो है आपको कहीं न कहीं पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। आपको अपने परिवार में पत्नी, माता पिता, भाइयों का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमजोरी या रिलेशन में कमी आ सकता है। आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा समय है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाएंगे अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप यदि 50 साल से 60 साल की उम्र में हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है जो हम अपने जीवन में कर्क राशि वालों कैसे अच्छा काम करें। उसके लिए आपको चैरिटी करने की जरूरत है, कुछ दान पुण्य करने की जरूरत है जो व्यापार अच्छा हो सकता है। आपको किसी ने किसी को सपोर्ट या मोटिवेट करना चाहिए तो आपको सर्विस में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आपको 50 साल से 60 साल की उम्र वाले को जो आपके कर्क राशि वालों को ऋण से मुक्ति होने की चांस बरकरार अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही आपको सरकारी अड़चनें आ सकती हैं, इसमें देखा गया जो आप यदि व्यापार करते हैं तो लेबर चोरी करेगा या सरकार की तरफ से इनकम टैक्स की परेशानी आएगी। यदि आप सर्विस करते हैं तो आपके नीचे वाले जो लोग हैं वो आपको कहीं न कहीं चीट करेगा और आपको तंगी बना रहेगा। यदि इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा खासा जीवन यापन आप कर सकते हैं। आप निवेश के दृष्टिकोण से देखें तो जो निवेश करने की स्थिति होती है वो अच्छा खासा दिखाई देता है। गोल्ड के मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं, आप शेयर में म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा निवेश कर सकते हैं, अपने आप को प्रॉपर्टी में निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यदि ऐसा कोई निवेश करते हैं तो आपको प्रगति मिल सकता है। 2024 में निवेश करने से कर्क राशि वालों अच्छा खासा लाभ दिख सकता है। यदि आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कर्क राशि वाले उसको लाल कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही उनको गुड़ चावल दही का दान करना चाहिए।
अपने घर में घी का और सरसों तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, व्यापार के जगह घर के जगह पे। साथ ही आपको अपने आप से खान पान का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में कुछ अच्छे मंत्र या अच्छे वस्तुओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ दिखाई देगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये जो 2024 है वो चमत्कारी लाभ दिखाई देगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।